से रिलेटेड जो आवागमन है अवैध तरीके से, उस पे पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसमें सम्मिलित है उनको पहचान करके और उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया गया। बुधवार को एसपी सुशील कुमार ने मधवापुर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन डायरी, प्राथमिकी पंजी, डोसियर, अपराध पंजी सहित कई पंजियों व अभिलेखों के रखरखाव आदि का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। साथ ही एसएचओ राजकुमार मंडल को लंबित कांडों का निष्पादन जल्द करने, अपराध नियंत्रण के लिए सीमा पर गश्त तेज करने, शराब कारोबार में लगे धंधेबाजों के यहाँ अभियान चलाकर छापेमारी करने, उनके द्वारा अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करने, नियमित रूप से गश्ती निकालने, निर्धारित चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए एसपी कुमार ने कहा, मधवापुर थाने का वार्षिक निरीक्षण मैंने किया है। इसमें जितने भी थाने के अभिलेख होते हैं उसकी बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने उसको देखा है कि अद्यतन है कि नहीं, अपडेट सारे रिकॉर्ड्स अपडेट किए गए हैं कि नहीं, और जो पुराने वार्षिक निरीक्षण में या एसडीपीओ या पुराने जो एसपी हैं उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसके निर्देश का अनुपालन हुआ है कि नहीं, उसी के लिए आज विस्तृत निरीक्षण किया गया है। उसमें कुछ चीज़ों में कमी पाई गई है जिसको सुधारने के लिए और अपडेट करने के लिए थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। बाकी सारे रिकॉर्ड्स अपडेटेड हैं और ख़ास करके जो यहाँ, चूँकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता में निर्देश दिया गया थाना अध्यक्ष को, और खास करके जो शराब से रिलेटेड जो आवागमन है अवैध तरीके से, उस पर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, और जो भी इसमें सम्मिलित है उनको पहचान करके उनकी उनके खिलाफ में जो है गुंडा पंजी और उनके खिलाफ सर्विलांस चलाने के लिए भी निर्देशित किया गया है, और उनके प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके और उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के क्रम में एसपी कुमार ने संपूर्ण थाना परिसर के रखरखाव, साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संतोष व्यक्त किया। एसपी कुमार ने सभी पुलिस पदाधिकारियों व चौकीदारों को क्षेत्र में सजग रहने तथा फरार वारंटियों को स्पेशल एस ड्राइव चलाकर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। चौकीदारों को उन्होंने अपने इलाके के महल का क्राइम डायरेक्टरी बनाने और इसकी सूचना थाना अध्यक्ष को प्रत्येक दिन देने का निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों व चौकीदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। एसपी के थाना आगमन व प्रस्थान पर उन्हें जवानों द्वारा सलामी भी दी गई। मौके पर एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल, एसआई वीरेंद्र पासवान, चौकीदार शंभू पासवान, नवीन कुमार, विवेक कुमार, पप्पू कुमार सहित बीएमपी डीपीए गृह रक्षा वाहिनी व ग्रामीण पुलिस के अन्य जवान मौजूद थे।